हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो लेक्चर में। बच्चों, आज से जो है हम हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। उस चैप्टर का नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, सो इस चैप्टर में भी आपको कुछ पोर्शन डिलीट किया है आपके इस एग्जाम के लिए कोरोना की वजह से। ओके, तो वो कौन सा पोर्शन है वो मैं कंटिन्यूस में बता दूंगा आपको जब उस पोर्शन तक हम पहुंच जाएंगे। ओके, तो आओ चलो इस नए से चैप्टर को अभी स्टार्ट करते हैं। ओके, तो डिफरेंशियल इक्वेशन, इक्वेशन आपको पता है कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है, x प्लस टू वाई इक्वल्स टू जीरो। जिसमें इक्वल्स टू आता है उसे हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन बोलते हैं, ये तो पक्का बात है आपको। इसे क्या बोलते हैं, ये लीनियर इक्वेशन है। ये कौन सा इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल या टू वेरिएबल कहते हो, वन ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर है इसका। ओके, सो लीनियर इक्वेशन है, x प्लस टू वाई इक्वल्स टू जीरो लीनियर इक्वेशन है। ओके, तो अभी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा, उसमें भी इक्वल्स टू होगा, इक्वेशन ही होगा उसमें, बट डिफरेंशियल मतलब उसमें आपको इस प्रकार के प्राणी दिखने के लिए मिलेंगे, दैट इज द डी वाई बाय डी एक्स प्लस प्लस थ्री वाई इक्वल्स टू जीरो। मतलब ये डी वाई बाय डी एक्स आ गया, यहां पर dy by dx आ गया, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो जिस इक्वेशन में भी dy by dx या d2y by dx square या d3y by dx cube इस प्रकार के प्राणी आपको दिखने के लिए मिलेंगे, तो उसको हम बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। उसको क्या बोलेंगे हम, डिफरेंशियल इक्वेशन। ये नीचे वाला जो है इसे, ये नीचे वाला जो है x, इसे बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसे क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और ये ऊपर वाला जो है इसे बोलेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, डिपेंडेंट वेरिएबल, नीचे वाला जो है वो इंडिपेंडेंट है और ऊपर वाला कौन है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। ओके, वैसे ही इसमें ये इंडिपेंडेंट, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये इंडिपेंडेंट, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। ओके, इसका तो भला ही हमें कुछ काम नहीं है, बस इतना ध्यान में रखो कि dy by dx या d2y by dx या d3y by dx cube या इस प्रकार के भी प्राणी आ सकते हैं, dy by dx का होल स्क्वायर या dy by dx का होल क्यूब या dy by dx raised to the power 4 या ऐसे भी आ सकते हैं d2y by dx square का होल क्यूब, इस प्रकार का भी प्राणी आ सकता है। तो इस प्रकार का अगर आपको इक्वेशन में दिखता है तो वो वाला इक्वेशन कौन सा है, सिंपली डिफरेंशियल इक्वेशन है। आई होप कि डिफरेंशियल इक्वेशन तो आपके आपको समझ में आ गया होगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा, ऐसा इक्वेशन जहां में ये वाली टर्म हो, जहां पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो और डिपेंडेंट वेरिएबल हो, तो उनको हम क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। ओके, तो अभी नेक्स्ट कंसेप्ट आता है बच्चों कि ऑर्डर एंड डिग्री, नेक्स्ट कंसेप्ट है ऑर्डर एंड डिग्री, एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें दो चीजें हमें देखना है, वो है पहला तो ऑर्डर और दूसरा है डिग्री, दूसरा है डिग्री, ताकि जो कि आप 12th पास होने के बाद लेने वाले हो वो डिग्री। ओके, वो नहीं है, डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री देखना है, वो तो अलग हो गए ना, एजुकेशन वाली डिग्री हो गई। ओके, सो ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, मैं बता दूं कि ये ऑर्डर एंड डिग्री पे ही आपकी एक एक्सरसाइज पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाएगी, पूरे के पूरे वो एक्सरसाइज में क्वेश्चन इसी कंसेप्ट पे बेस है कि डिफरेंशियल इक्वेशन दिया होगा उसका ऑर्डर एंड डिग्री आपको देखना है, उसका ऑर्डर एंड डिग्री आपको देखना है। ओके, सो देख लेते हैं ऑर्डर एंड डिग्री क्या होगा। ऑर्डर जो है बच्चों, ऑर्डर, ऑर्डर की बात करूंगा, ऑर्डर जो है, ऑर्डर क्या होता है, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, मैं एक डिफरेंशियल इक्वेशन ले लेता हूं, डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर, डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर प्लस डी वाई बाय डी एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल्स टू जीरो, प्लस थ्री वाई इक्वल्स टू जीरो। क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ध्यान से देखो, ये dy by dx है, d2y by dx square है, ये तो इसमें है, मतलब कंफर्म ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसकी ऑर्डर और डिग्री क्या होगी, तो ऑर्डर जो होता है, ऑर्डर, द ऑर्डर ऑफ, द
ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ, इज द ऑर्डर ऑफ हाइस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाइस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाइस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अपियरिंग इन द इक्वेशन, अपियरिंग इन द इक्वेशन, इन द इक्वेशन। ओके, सो ऑर्डर क्या होगा बच्चों? ऑर्डर जो है डिफरेंशियल, ऑर्डर जो है डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब क्या? dy by dx है, उससे बड़ा कौन है? इससे बड़ा है d2y by dx square, इससे बड़ा कौन है? d3y by dx square, इससे बड़ा कौन है? d raised to the power 4y dx raised to the power 4, मतलब हाईएस्ट। इन चारों में से हाईएस्ट कौन है बच्चों? हाईएस्ट कौन है? ये। ओके, हाईएस्ट कौन है? तो डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको ऐसा चूज करना है कि जिसका हाईएस्ट ऑर्डर हो, जिसका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इस इक्वेशन में देखो, इस इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव किसका है? इसका है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इसका है। ओके, इसका तो वन है, इसका क्या है? टू है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अपियरिंग इन द इक्वेशन। अब इसका ऑर्डर देखो, इसका ऑर्डर कितना है? जैसे यहां पर ऑर्डर इसका वन है, यहाँ पे ऑर्डर इसका टू है, यहाँ पे थ्री है, यहाँ पे फोर है, यहाँ पे थ्री लिखा है ना, थ्री, यहाँ पे फोर है। तो यहाँ पे इसका ऑर्डर कितना लिखा है? ऑर्डर कितना है बच्चों? यहाँ पे ऑर्डर इसका टू है, हाईएस्ट ऑर्डर ये टू लिखा है ना, तो इसका ऑर्डर कितना होगा? टू होगा। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका ऑर्डर हमें कितना मिल जाएगा? टू मिल जाएगा। ऑर्डर कैसे देखना है आपको? ऑर्डर ऐसे देखना है कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपको चूज करना है, उसका पावर आपको, मतलब ये देखना है कि वो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है तो टू आएगा, डी क्यूब वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है तो थ्री आएगा। ओके, इस प्रकार का आएगा। ओके, और ये जो ऑर्डर है बच्चों, ये हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होगा। ऑर्डर इज, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट नोट है, ऑर्डर इज ऑलवेज ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर, ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर। अच्छा, इंटीजर सबको पता है, जीरो प्लस माइनस वन, प्लस माइनस टू, प्लस माइनस थ्री। तो उसमें से निगेटिव निकाल दो, जो पॉजिटिव वाले बचेंगे वही हमारे ऑर्डर के इसमें आएंगे। ऑर्डर इज नेवर निगेटिव, ऑर्डर कभी भी निगेटिव नहीं होगा। ओके, सो ऑर्डर के बारे में हो गया कि ये क्या हो गया आपका ऑर्डर, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये क्या हो गया? ऑर्डर हो गया। ओके, अब बात आती है सर डिग्री, अब बात आती है डिग्री। पहले ऑर्डर निकालोगे, बाद में डिग्री करोगे, पहले ट्वेल्थ पास करोगे, बाद में डिग्री करोगे, ध्यान में रहेगा। ओके, पहले क्या निकालोगे? ऑर्डर निकालोगे और बाद में डिग्री करोगे, ट्वेल्थ के बाद डिग्री करोगे। ओके, सो अभी डिग्री क्या होगी? डिग्री जो है, डिग्री, डिग्री क्या होगी बोल दो सर। हम जब MBBS कर लेंगे तो उसके बाद हमारे पास डॉक्टर की डिग्री आ जाएंगी, इंजीनियरिंग की डिग्री आ जाएगी, ऐसा बोल दो डिग्री, है ना? नहीं बेटा, डिग्री वो नहीं होगी। डिग्री हमें डिफरेंशियल, वो भी है डिग्री, बट ये डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री है। तो इसमें क्या देखना है आपको? आपने हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देख लिया, आपने हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देख लिया, उसका आपने ऑर्डर भी लिख लिया, उसका आपने ऑर्डर भी लिख लिया। अब उसका पावर देख लो, जिसका आपने हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसका आपने ऑर्डर लिख लिया, उसी ऑर्डर का आपको क्या देखना है? डिग्री। तो उसका पावर यहाँ पे कितना है? वन है। तो इसका डिग्री कितना आएगा? वन आएगा। इसका डिग्री कितना आएगा? वन आएगा। ओके, सो इसके पावर में अगर थ्री होता तो डिग्री कितना आता? थ्री आता। इसके पावर में फाइव होता तो डिग्री कितना आता? फाइव आता। तो पहले ऑर्डर लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखोगे? डिग्री लिखोगे। ओके, और ये ऑर्डर जो है ये फ्री फ्रॉम रेडिकल होता है, मतलब अंडर रूट जैसी चीज आ गई इसमें, ऐसा आ गया डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो आपको पहले इस अंडर रूट में से इसको फ्री करना पड़ेगा, उसको लॉकडाउन अनलॉक करना पड़ेगा। ओके, सो ये जो लॉकिंग है ना, अंडर रूट में लॉक है, वो बंद है, तो इससे उसको फ्री करना पड़ेगा। बाद में हम उसकी क्या निकालने वाले हैं? ऑर्डर और डिग्री निकालने वाले हैं। इस प्रकार के भी एग्जांपल हम देखने वाले, बट ये आपके समझ में आ गया क्या? पहले ये देख लो, ये क्लियर होना चाहिए, ऑर्डर एंड डिग्री। इस पे ही क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया जाएगा, बताओ कि ऑर्डर एंड डिग्री क्या होगी।
इस प्रकार का क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में आता है, भले ही वो एमसीक्यू में पूछ ले 2 मार्क्स के लिए, या 2 मार्क्स का एक पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको पूछा जाता है उसमें भी पूछते हैं कि ऑर्डर एंड डिग्री क्या होगा। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया, ऑर्डर क्या होगा, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है उसका हम देखेंगे कि उसका जो कितना है d2y/dx² वो देखेंगे, और डिग्री उसी का ही डिग्री देखेंगे, उसी का ही डिग्री देखेंगे। ओके सो चलिए इस पर जो है ऑर्डर एंड डिग्री पर एग्जाम्पल हमारे टेक्स्ट बुक में दिए है, वो अभी एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। ओके ओके तो क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें ऑर्डर एंड डिग्री निकालना है बच्चों। ओके फर्स्ट ये वाला देख लेते हैं हम, बारी बारी से तीनों एग्जाम्पल देख लेंगे। फर्स्ट हमारे पास है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज क्या है हमारे पास, x square d2y/dx² + 3x dy/dx + 4y = 0। अब इसका ऑर्डर एंड डिग्री बताओ। ऑर्डर ऐसा लिख देंगे, इट्स ऑर्डर इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे उसकी डिग्री लिख देंगे, यहाँ पे उसकी डिग्री लिख देंगे। ओके सो पहले ऑर्डर बताओ। ऑर्डर के लिए मैंने बताया था कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अपियरिंग इन द इक्वेशन। सो ये 2 दिख रहा है आपको लोगों को, ये 1 है इसका ऑर्डर 2 है, तो ये 2, और इसके ऊपर कितना है 1 है, तो डिग्री कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। सो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 2 है और डिग्री कितनी है 1 है। ओके सो सेकंड देख लो, सेकंड क्या है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज d³y/dx³² ओके प्लस xy dy/dx -2x + 3y + 7 = 0। ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है। ओके अभी इट्स ऑर्डर, इसका ऑर्डर देख लो बच्चों, इसका ऑर्डर कितना होगा, ऑर्डर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अपियरिंग इन द इक्वेशन। सो इसका ऑर्डर है 3, इसकी डिग्री बता दो, जिसका ऑर्डर आपने लिखा उस ऑर्डर के ऊपर कितना लिखा है 2 लिखा है, तो इसकी डिग्री कितनी आएगी 2 आएगी, इतना सिंपल है। ओके सो लास्ट अभी ये थर्ड वाला देख लेते हैं, थर्ड। ओके सो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज r(dr/dθ + cos θ) = 5। कोई बच्चा बोलेगा कि सर यहाँ पर x/y नहीं है, dy/dx नहीं है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगा। बिल्कुल ऐसा गलत सोचना है, क्योंकि ये dy/dx नहीं है, बट यहाँ पे उन्होंने r और थीटा लिए, वेरिएबल चेंज कर दिए, x और y ले देते, अभी r और थीटा ले लिया, तो क्या ये डिफरेंशियल हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, डेफिनेटली होगा, क्योंकि dr/dθ है, मतलब ये dy/dx है, dy/dx है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। तो चलो जल्दी से इसका ऑर्डर और डिग्री बता दो। इट्स ऑर्डर क्लियर दिख रहा है कि कितना है 1 है, और डिग्री है वो भी कितना है, डिग्री भी कितना है वो भी 1 है। ओके सो ये 3 एग्जाम्पल हो गए, और 3 एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, ऑर्डर और डिग्री कैसे निकालना है। ओके तो ये सिंपल से एग्जाम्पल है, आई होप कि ये आपको बड़े आसानी से आ गए होंगे। ओके चलो वो नेक्स्ट 3 एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, ये जो 4th, 5th, 6th है इनको देख लेते हैं अभी। 4th वाला पहले देख लो, क्या इक्वेशन है हमारे पास, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज d2y/dx² + dy/dx² = e^x. ओके सो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन ये लिख दिया हमने। ओके अब इट्स ऑर्डर कितना होगा, इट्स ऑर्डर विच इज इक्वल्स टू, ये सेकंड ऑर्डर दिख रहा है मतलब सेकंड। ओके डिग्री कितना होगा, डिग्री इसका पावर कितना है 1 है, तो भाई साहब ये तो इजी था। ओके फिफ्थ वाला देख लो, फिफ्थ
गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज डी वाई बाय डी एक्स प्लस थ्री एक्स वाई अपॉन डी वाई बाय डी एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स, इक्वल्स टू कॉस एक्स। ओके, तो अभी देख पा रहे हो ये dy by dx यहां पर भी है, dy by dx यहां पर भी है, ये तो हमें अरेंज करना पड़ेगा अच्छे से डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, सो इसको अरेंज करने के लिए ये जो है ना अपॉन में है, ये किस फॉर्म में है, a प्लस बी बाय सी इस फॉर्म में है, तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो ac प्लस बी अपॉन सी इस प्रकार मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो मल्टीप्लाई कर दो इनका, तो क्या आ जाएगा यहां पर, ऑलरेडी dy by dx यहां पर था, आपने मल्टीप्लाई dy by dx की किया, तो dy by dx और आ जाएगा प्लस 3xy, प्लस 3xy इसके अपॉन में क्या आएगा dy by dx, a प्लस बी बाय सी, ए प्लस बी बाय सी था, आपने ac प्लस बी अपॉन सी किया, ac प्लस बी अपॉन सी किया, इतना समझ में आया, इक्वल्स टू कितना cos x, इक्वल्स टू कितना cos x। अब ये वाली टर्म इस साइड भेज दो, वो फ्री फ्रॉम रेडिकल जो बोल रहा था ना मैं, वो ये वाली टर्म है वो इस साइड भेज दो, तो इस साइड भेजेंगे तो क्या आएगा dy by dx, ये अगर ऐसा होता है 2 into 2 तो आप क्या लिखते हो 2 स्क्वायर लिखते हो, तो dy by dx, dy by dx दो बार है तो क्या लिखोगे dy by dx का स्क्वायर लिखोगे, पक्की बात है। ओके, प्लस प्लस 3xy ये अपॉन में था उस साइड भेजेंगे तो विच इज इक्वल्स टू cos x इंटू dy by dx, cos x इंटू dy by dx, क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, है। पहले इसको इस साइड ला लेते हैं, बड़ा अच्छे से इक्वेशन बना लेते हैं, dy by dx का स्क्वायर माइनस cos x dy by dx प्लस 3xy इक्वल्स टू जीरो, इसको मैंने इस साइड ला लिया, पॉजिटिव था निगेटिव हो गया। ओके, सो अब इट्स ऑर्डर, चलो बताओ ऑर्डर दिख रहा है, हाईएस्ट ऑर्डर कितना है यहाँ पर, हाईएस्ट ऑर्डर है dy by dx, यहाँ पर भी dy by dx है, मतलब कितना 1। अच्छा आप डिग्री बता दो, बोल दो ना जरा, दिल में जो है छिपा। ओके, सो डिग्री बता दो, डिग्री क्या होगी इसकी, ये dy by dx है, dy by dx कितना है 1 है, तो डिग्री लेते वक्त हम इसकी ना लेते हुए इसकी लेंगे डिग्री। ओके, किसकी डिग्री लोगे, इसकी डिग्री, ऑर्डर तो हमने यहां भी लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, बट इसका ऑर्डर लोगे तो डिग्री 2 आती है, तो डिग्री 2 आती है इसलिए यहां पर हम क्या लेंगे 2 लेंगे, ये 1 को नहीं लिखने वाले। ओके, बात को समझो मेरे की, ऑर्डर 1 है, 1 लिख दिया, इसका पावर देखोगे ना, इसका पावर देखोगे तो वो कितना आया डिग्री 2 आया। ओके, आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। अभी बचता है क्वेश्चन नंबर ये 6, इसको देख लो, थोड़ा सा मैं रफ कर दूं इसको। ओके, रफ कर देता हूं, क्वेश्चन नंबर 6 हम देख लेते हैं जो आपकी किताब में दिया हुआ है। ओके, सो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, व्हाट इज अ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, 6 क्वेश्चन नंबर 6, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज अंडर रूट 1 प्लस 1 अपॉन dy by dx का स्क्वायर, ओके, इक्वल्स टू d2y by dx स्क्वायर, इसका पावर है 3/2। ओके, अभी बात आती है वो फ्री फ्रॉम रेडिकल जो अंडर रूट में है, इसको अनलॉक करना पड़ेगा, अनलॉक मतलब इसको रूट हटाना पड़ेगा। ओके, सो रूट हटाने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगर दोनों साइड में स्क्वायरिंग करते हो बोथ साइड्स, ओके, सो स्क्वायरिंग करते हो तो ये हट जाएगा तो क्या मिलेगा 1 प्लस 1 अपॉन dy by dx का स्क्वायर, ओके, ये मिलेगा इक्वल्स टू यहां पे स्क्वायर करोगे तो d2y by dx स्क्वायर इसके पावर में कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, क्योंकि ये और इसका स्क्वायर करोगे d2y by dx स्क्वायर 3/2 है ना, इसका पावर कितना करोगे 2 करोगे तो ये 2 गेट कैंसिल, तो यही मिलेगा अल्टीमेटली हमें। ओके,
तो यहां तक आ गए, यहां तक आ गए। अब तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस वन अपॉन डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का होल क्यूब। सो इतना आ गया। सो ये कितना आएगा बच्चों, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस वन इक्वल्स टू, इसको उस साइड भेज दो तो ये क्या आएगा, डी टू वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर इन इसका होल क्यूब इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। सो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, डेफिनेटली ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसका ऑर्डर देखो, इसका ऑर्डर देखो। तो कोई बच्चा बोलेगा कि सर क्या यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, बिल्कुल नहीं। इसका ऑर्डर कितना है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसका ऑर्डर कितना है, वन। हाईएस्ट वाला ढूंढना है हमें, जो बच्चा जिसको मैथ्स में हाईएस्ट मार्क्स आए उसी बच्चे को हम ढूंढने वाले हैं। मैं ये बता दूं कि आपका जब एग्जाम होगा और जो टॉपर आएगा जिसको हाईएस्ट मार्क्स मिलेंगे 100 out of 100 आए, तो उसके लिए तो एक स्पेशल प्राइज मेरी तरफ से, कॉलेज की तरफ से नहीं, मेरी तरफ से, खुद की तरफ से है, वो तो हम देने ही वाले हैं। बट उसके साथ साथ इसी चैनल पे उस बच्चे का, उस स्टूडेंट का क्या होगा, इंटरव्यू होगा कि उन्होंने एग्जाम में किस तरह से तैयारी की, मैथ्स में उन्होंने किस तरह से स्टडी की और अदर सब्जेक्ट में भी उन्होंने किस तरह से आपकी स्टडी की है। इस लॉकडाउन के पीरियड में बहुत सारे बच्चों को पढ़ाई छोड़ ही दी है लगभग। होता है ये बच्चों का, उनका फॉल्ट नहीं है बट ये एनवायरनमेंट का फॉल्ट है पूरा का पूरा, कि बहुत सारी चीज़ें उनके इसमें आ गई, 6 7 महीने हो गए वो घर में है। तो उस प्रकार, तो ये नहीं भी होता तो मेरे दिमाग में ये था ही कि मैं मेरे कॉलेज के जो बच्चे हैं जो टॉपर आएंगे उनका मैं इंटरव्यू लूँ। मेरा ये पहले से ही मैंने ये सोच के रखा था, ये ऑनलाइन में हम एक चैनल बनाएंगे, वहाँ पे हम बच्चों के ये करेंगे, ऐसा मेरे दिमाग में था। तो जो बच्चा आउट ऑफ मार्क्स लाएगा या टॉपर होगा उनका इंटरव्यू हम हमारे इस यूट्यूब चैनल पे लेंगे, ताकि अदर बच्चे भी मोटिवेट हो जाए उनसे, दूसरों की जर्नी सुन के हम सारे मोटिवेट होते ही है, इस प्रकार चलता है। तो दूसरों को मोटिवेट करना इससे बड़ी बात कोई नहीं होगी, और वो मोटिवेशन आप दोगे अदर स्टूडेंट को, आपके जूनियर को, तो सब मोटिवेट करना ये कोई छोटी बात नहीं होती है बच्चों, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो ट्राई करना कि उस टॉप की लिस्ट में आप आ जाओ, ताकि आप किसी के इंस्पिरेशन बनो, किसी के लिए मोटिवेशन बनो। मुझे मुझे पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो हमारे इस टॉप लिस्ट में आ सकते हैं, जो हमारे 12 के हैं, और वो आ ही जाएंगे, वो उनका स्टडी उस तरह से चल रहा है। सो आप भी ट्राई करो, जो बच्चे अदर हमारे कॉलेज के ना होते हुए अदर कॉलेज के बच्चे देख रहे हैं उनको भी मैं बोलता हूँ कि आप भी स्टडी करो बड़े अच्छे से। वीडियो देख के आपने अगर टॉप किया है तो आपका भी हम इंटरव्यू लेंगे कि आपने बड़ा अच्छे से स्टडी किया है। तो वो इंटरव्यू मैं ही लेने वाला हूँ आपका, तो बड़ा अच्छा सा वो एक हमारा वीडियो बन जाएगा, उस पर आपका भी उसमें बड़ा लाभ होने वाला है। सो वो बाद की बात है, जब रिजल्ट लगेगा उसके बाद की बात है। अभी इस ऑर्डर एंड डिग्री, तो हाईएस्ट जिसको मार्क है उनको ढूंढेंगे, तो हाईएस्ट मार्क वाला कौन है, हाईएस्ट डेरिवेटिव वाला कौन है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ये है, तो इसको ढूंढ लो। सो इट्स ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर कितना है, 2 है। इसकी डिग्री कितनी होगी बच्चों, इसकी डिग्री कितनी होगी, इसका पावर कितना है, 3 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, 3 हो गई। तो ये थर्ड वाला एग्जाम्पल था, जो फ्री फ्रॉम रेडिकल की बात कर रहा था वो इसी की बात कर रहा था मैं, जिसको हम पहले अनलॉक करेंगे, इस प्रकार इसको डिफरेंशियल इक्वेशन बना देंगे और बाद में इसका ऑर्डर एंड डिग्री लिखने वाले हैं। आओ चलो अभी कुछ नेक्स्ट एग्जाम्पल बचे हैं वो भी देख लेते हैं ऑर्डर एंड डिग्री के, ताकि आपका ये ऑर्डर एंड डिग्री कुछ भी पूछ ले आपको तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो ये वाला एग्जाम्पल देख लो, फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री, इनके भी ऑर्डर एंड डिग्री निकालना है। ये फर्स्ट वाला देख लो, फर्स्ट वाले में क्या है, फर्स्ट वाला जो है दैट इज द सेवेंथ नंबर का। सेवेंथ नंबर में गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज डी रेस टू द पावर 4 बाय वाई डी एक्स रेस टू द पावर 4 वन प्लस डी वाई बाय डी एक्स का पावर यहाँ पे होल क्यूब। तो अब बच्चे सोचेंगे कि सर वन ए प्लस बी का होल क्यूब ये फार्मूला लगा दे, बट इसकी जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, हमें वो हाईएस्ट मार्किंग वाला बच्चा देखना है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखना है। यहाँ पे इसका ऑर्डर तो वन है,
इसका ऑर्डर तो 4 है, तो क्यूब वाला फार्मूला लगा के कुछ फायदा है क्या? नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि इसका डायरेक्ट ऑर्डर कितना आएगा बच्चों, इस ऑर्डर, इट्स ऑर्डर इज इक्वल्स टू 4 एंड डिग्री कितना होगा, डिग्री इसके पावर में कितना है, 1 है, तो ये 1 बन जाएगा। ओके, सो इसका ऑर्डर 4 आ गया और डिग्री कितनी आ गई, 1 आएगी। इसके खोलने में कोई मतलब नहीं है, a प्लस b। हाँ, अगर यहाँ पर d रेस टू द पावर 4 y d x रेस टू द पावर 4 ऐसा होता तो हम इसको जरूर ओपन करते थे। ओके, a प्लस b होल क्यूब का फार्मूला जरूर लगाते थे, बट अभी नहीं भी लगाया तो भी चलेगा। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देख लो। 8 ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा है। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज e रेस टू द पावर dy बाय dx प्लस dy बाय dx इक्वल्स टू x। ध्यान से इस डिफरेंशियल इक्वेशन के देखो, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है बट ये वाला एलिमेंट है वो e रेस टू द पावर dy बाय dx है प्लस dy बाय dx है। ओके, तो इसमें तो हम ऑर्डर बता देंगे, इट्स ऑर्डर, ऑर्डर तो आप क्लियरली बता दोगे, यहां पर भी 1 है, यहां पर भी 1 है, तो यहां पे हम 1 ले लेंगे ऑर्डर। बट क्या डिग्री इसकी फाइंड कर सकते हो? अब डिग्री इसकी ले या इसकी ले, कंफ्यूजन में पड़ गया ना, इसकी डिग्री ले या इसकी डिग्री ले। ओके, सो यहां पर जो है ये इस पावर में है e रेज टू द पावर dy बाय dx, तो ये पॉलिनोमियल में नहीं है बच्चों, पॉलिनोमियल ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। पॉलिनोमियल इक्वेशन समझते हो आप? ओके, इस प्रकार की इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 4x प्लस y इक्वल्स या 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, ये एक पॉलिनोमियल होता है। तो इस प्रकार नहीं है, ये e उसके पावर में भेज दिया, मतलब ये इस प्रकार हो गया e रेज टू द पावर x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, ये तो पॉलिनोमियल नहीं हुई ना, e रेज टू द पावर x स्क्वायर डिवाइड बाय dx। ओके, इस प्रकार है, तो ये तो नहीं होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है पॉलिनोमियल नहीं है, इसलिए यहाँ पर डिग्री जो है, डिग्री नॉट डिफाइन, डिग्री नॉट डिफाइन, हमें तो भैया हम हार गए मैच, हम तो नहीं डिफाइन कर सकते। ओके, सो इसकी डिग्री हम नहीं डिफाइन कर पाएंगे, क्यों? क्योंकि ये पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है। ओके, यहाँ पे रीजन भी लिख सकते हो आप, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट इन द पॉलिनोमियल, बट यहाँ पे आपको ऑर्डर और डिग्री ही पूछा है 2 मार्क्स के लिए, तो इतना भी लिखा तो भी चलेगा। ओके, रीजन आप लिख सकते हो कि उसका वो पॉलिनोमियल इक्वेशन में नहीं है, पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन में नहीं है। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में डिटर्मिनेंट दिख रहा है, डिटर्मिनेंट दिख रहा है, इस डिटर्मिनेंट को आपको सॉल्व करना है, और जो कोई भी आंसर आएगा इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके, कुछ ना कुछ तो आंसर आने वाला है, तो जो कोई भी आंसर आएगा उसमें से आपको देखना है कि उसकी ऑर्डर एंड डिग्री क्या होगी। ओके, सो इसको सॉल्व कर दो तो ये आएगा एक्स क्यूब इन ब्रैकेट 3y dy बाय dx dy by dx। अच्छा, ये इसके साथ जीरो ही हो जाएगा, ये भी जीरो ही हो जाएगा, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई जीरो आ जाएगा, कोई मतलब नहीं है, माइनस y क्यूब। ओके, y क्यूब करोगे तो ये इसके साथ जीरो आ जाएगा, y क्यूब करेंगे ना, ये डिलीट करेंगे, इसके साथ जीरो आ जाएगा, इसके साथ भी ये जीरो आ जाएगा, मतलब y क्यूब भी यहाँ पे जीरो आ गया, प्लस 3 लिखेंगे, मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्लस 3 और ब्रैकेट में क्या लिखोगे, 3 लिखेंगे, उसके बाद इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, सो 4x स्क्वायर इन अ ब्रैकेट 2 और 2 4 हो गया, x स्क्वायर इन अ ब्रैकेट y d2y बाय dx स्क्वायर प्लस dy बाय dx का होल स्क्वायर। ओके, बीच में क्या आएगा, माइनस आएगा 3 इंटू ये किया, बीच में माइनस आया, तो ये क्या आएगा, माइनस फिफ्टीन एक्स वाई डी वाई बाय डी एक्स, चलो ये क्या आएगा, विच इज इक्वल्स टू 0, सो ये जीरो लिखने की जरूरत नहीं, ये आएगा 12x स्क्वायर वाई डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर डी वाई बाय डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस 15xy dy by dx इक्वल्स टू 0। तो भैया हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, इसमें 2 है, सो इट्स ऑर्डर इज इक्वल्स टू 2, और इसकी डिग्री कितनी होगी, डिग्री होगी 1 होगी।
तो आई होप कि ये सारे के सारे एग्जाम्पल जितने भी लिए उससे आपने ऑर्डर और डिग्री कैसे निकालना है वो अच्छे से सीख लिया होगा। अब आपको आपकी एक्सरसाइज 6.1, सिक्स चैप्टर है ना 6.1, इसको कंप्लीट करके आना है। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी आगे का आपको पढ़ाने वाले हैं। ओके सो आपका होमवर्क है कि एक्सरसाइज 6.1 आपको अच्छे से करके आना है। ओके सो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे वीडियो लेक्चर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।